हत्या का हुआ खुलासा। लखनऊ के अलीगंज इलाके में तकरीबन 9 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस की माने तो मृतक के चचेरे भाई ने अपने सालों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रुपए और संपत्ति का लालच आरोपियों द्वारा घटना की मुख्य वजह बताई गई। 31 अगस्त 2016 को नवीन गल्ला मंडी में प्रदीप वाल्मीकि नाम के शख्स की लाश मिली थी। मामले में मृतक के सौतेले भाई ने थाने में अत्यधिक शराब पीने से मौत की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के हाथ कई सुराग लगे और ये भी साफ हो गया कि संपत्ति के लालच के चलते शिकायतकर्ता ने ही अपने 2 सालों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में इसका गला दबाकर आना हुआ, फिर भी ये इसी तरह की बातें करता रहा ताकि पुलिस को ये लगते रहे कि हमेशा की यही इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सभी पुराने केस को हम लोग खंगाल रहे हैं और उसके खंगालने के क्रम में इस केस को वर्कआउट किया गया और संपत्ति के लालच और नौकरी के लालच में सगे सौतेले भाई के द्वारा अपने साले के साथ मिलकर के इस तरह का कुत्सित जघन्य कार्य किया गया अपने परिवार के लोगों के बीच में, जो मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध। इसी मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई लल्ला वाल्मीकि और उसके 2 सालों आशीष और उमेश वाल्मीकि को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश करने का दावा किया है।